फ्रेंड्स, यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो टेक चैंपियन सपोर्ट चैनल को नहीं जानता होगा, और उसका पीछे का रीज़न सिर्फ एक है, इतना तेज़ी से उनका चैनल ग्रो करना। आज के टाइम में जितनी भी वीडियो अपलोड करते हैं सर, उनके चैनल पर 20K से 50K एंड 100K व्यूज़ आता है। इतना व्यूज़ अगर देखा जाए तो उनके चैनल पर नहीं आता जिनके चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसके पीछे का रीजन्स क्या है, इतना तेज़ी से उनका चैनल ग्रो कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा उनके चैनल पर व्यूज़ कैसे आ रहा है, इसका मैं आज आपको 5 ऐसा सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी, या सीक्रेट्स ऐसी बातें बताऊंगी सर के चैनल की, जिसके वजह से उनके चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। बहुत सारी ऑडियंस ये सोच रही कोई चमत्कार है, चमत्कार नहीं है, ये 5 ऐसी कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर सीरियस हो, काम कर रहे हो, अपने चैनल को लेकर सीरियस हो, आगे भविष्य में अपना फ्यूचर यूट्यूब पर बनाना चाहते हो, तब तो ये चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप भी यूट्यूब पर हो, सर भी यूट्यूब पर हैं, आप भी टिप्स देते हो, सर भी टिप्स देते हैं, तो आपका और उनका चैनल मतलब सेम है, तो सेम है। तो सर ने ऐसा क्या किया कि जितना उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं, मतलब उनके चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके चैनल पर 50 के प्लस व्यूज आ रहा है, तो ये अमेजिंग कैसे हो रहा है, इस चीज़ को आपको जानना चाहिए अगर आप एक न्यू क्रिएटर्स हो तो इसको आपको अंत तक देखना है, और इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए वीडियो में आगे। फ्रेंड्स, सर का चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों हो रहा है, उसका नंबर एक सीक्रेट्स आप जाकर सर के चैनल पर देख लीजिए कि सर एक दिन में 2 वीडियो अपलोड्स करते हैं। आप देख लीजिए, एक मॉर्निंग में मतलब 10-11-12 बजे तक मैक्सिमम अपलोड कर देते हैं, एक शाम के 5 से 7-8 बजे के बीच में, मतलब डेली 2 वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्रिक यही है कि वो अपने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हम बड़े क्रिएटर्स को देखते हैं जिनके चैनल पर लाख सब्सक्राइबर या मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एक वीडियो डालते हैं, 2 दिन वो बीच में गैप कर देते हैं, फिर डालते हैं, उनके चैनल पर व्यूज़ कैसे आएगा। आप अगर डेली अपने चैनल पर 2 वीडियो एक अपलोड डालेंगे तो इससे आपका क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, आपका CTR बढ़ेगा और आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। जब इंप्रेशन बढ़ेगा तो आपके सब्सक्राइबर्स भले ही कितने कम हो, लेकिन आपके चैनल पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ आप सर के चैनल पर देख सकते हैं कि वो डेली 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये सीक्रेट नंबर एक है कि आप भी अपने वीडियो पे कंटिन्यू या अपने चैनल पर कंटिन्यू काम करेंगे तो आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये फर्स्ट ट्रिक सर के चैनल पर आप अप्लाई कर सकते हैं या देख सकते हैं। नंबर 2 सीक्रेट्स, फ्रेंड्स आप उनके थंबनेल को देखिए, मतलब थंबनेल इतना सिंपल बनता है, लेकिन थंबनेल ही जैसे लगता है बोल दे रहा है, थंबनेल बातें कर रहा हो आपसे, ना चाहते हुए भी लोग क्लिक कर रहे हैं। आपके वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका थंबनेल, क्योंकि थंबनेल से ही आपका क्लिक बढ़ता है और आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है और तभी आपके वॉच टाइम आते हैं, वॉच टाइम तो वीडियो वायरल होती है। तो सर का थंबनेल आप देख सकते हैं, मतलब वीडियो में क्या बताया गया है, वीडियो में क्या एक्सप्लेन सर कर रहे हैं, वो थंबनेल ही बोल दे रहा है। तो इस चीज़ को आप जब तक नहीं सीखेंगे कि हम वीडियो में कुछ भी राम कहानी सुना दें लेकिन थंबनेल ही नहीं सही से अच्छे बना पाएंगे, तो ये चीज़ कैसे होगा। तो आपका सर का थंबनेल मतलब एकदम लाजवाब होता है, जो मैं भी कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सेकंड जो सीक्रेट्स है, ये चीज़ आपको अपने चैनल पे फॉलो करना है कि वीडियो से ज़्यादा आप अपने थंबनेल पे टाइम दीजिए। ये सीक्रेट सर ने अपने चैनल पे बहुत ही बारीकी से फाइनल मतलब अप्लाई कर रखा है, तो ये चीज़ है। और 4 सीक्रेट्स जो सर का किसी ने नहीं बताया होगा, आप उनके चैनल को देख लीजिए साइड में, वो भी मैं दिखा रही हूँ कि वो वीडियो हर दिन एक नए टॉपिक्स पे बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वही घिसी पिटी थंबनेल, लोगो, बैनर कैसे बनाओ, ये वो फलान ढमाक, वो हर दिन कुछ नया अप्लाई करते हैं, हर दिन कुछ नया ट्राई करते हैं। सर ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक्स ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर जाइए, ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में जाइए, जो आ रहा उसको ठोक दीजिए वीडियो बनाने, हाँ, क्योंकि ट्रेंडिंग सेक्शन में तो यूट्यूब महान हस्ती ने सारे शॉर्ट्स को भर रखा है, तो ऐसे में ट्रेंडिंग नहीं। सर ये चीज़ देखते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, प्लस में इस चीज़ से हमारी ऑडियंस को क्या फ़ायदा होगा। जैसे सर ने कल ही एक वीडियो अपलोड की है, मूवी क्लिप वाली वीडियो, वो ही एक नया चीज़ मतलब बताए हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर कैसे चैनल बनाकर वीडियो वायरल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब आप उनके चैनल पर सीख सकते हो कि कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग चैनल पे कंटेंट भी अच्छा दे रहे हैं और कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। तो ये 3 ऐसा सीक्रेट था, जो तीसरा ऐसा सीक्रेट था जो शायद ही किसी के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा जो बड़े से बड़ा क्रिएटर्स होगा, लेकिन ये चीज़ वो नहीं ट्राई कर रहे हैं। ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर ने ट्राई किया और इसी वजह से उनके चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। नंबर 4 सीक्रेट्स, ये आपको कोई भी यूट्यूब पे बताएगा ही नहीं, आप कोई भी वीडियो सर की उठा के देख लीजिए, जो 4 सीक्रेट्स है उनके बोलने का तरीका। भाई आप लोग कैमरे के सामने कैसे मतलब डरे सहमे से रहते हो, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलते हो, लेकिन जैसे लगता है कैमरा आपको खा जाएगा। खा कहाँ जाएगा, वो एक मोबाइल है या एक कैमरा है, अगर आपके पास कैमरा है तो ठीक है, नहीं है तो मोबाइल है, तो मोबाइल खा नहीं जाएगी। मान लो एक बार आप गलती कर रहे हो, 2 बार गलती कर रहे हो, 3 बार गलती कर रहे हो, 10 बार गलती कर रहे हो, रीटेक लो बार बार लो, जब एकदम परफेक्ट आप बोलने लगो तब आप वीडियो शूट करो। तो सर में वो चीज़ एक अलग लेवल का झलकता है, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा सहज भाषा में वो अपनी वीडियो में समझाते हैं और इतना बेहतरीन तरीके समझाते हैं कि जो पढ़ा लिखा है वो भी समझ जाए, जो अनपढ़ जाहिल गवां अंगूठा लगाता है वो भी समझ जाए।
तो ये चीज़ ये बोलने का तरीका जब तक आप में अच्छा नहीं आएगा, आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, मान लो थंबनेल बहुत ही अच्छा बना लिया लेकिन आपको बोलने का तरीका ही नहीं पता है, आप अच्छे से ऑडियंस को समझा ही नहीं सकते हो, बता ही नहीं सकते हो, तो लोग मुश्किल से 30 से 40 सेकंड वीडियो आपके देखेंगे, उसके बाद या तो स्किप करके चले जाएंगे या तो कट के चले जाएंगे, किसी और की वीडियो देखेंगे। तो ये चीज़ आप सर से सीख सकते हो, कितना बारीकी से और कितना बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाते हैं और कितना बेहतरीन तरीके से लोगों को बताते हैं। ये 4 सीक्रेट्स मैंने खुद अपने वीडियो में अप्लाई किया है, लागू किया है, अगर आप भी करोगे तो ये सीक्रेट्स बहुत ही कम ऑडियंस आपको बताती है। बोलने में बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 साल काम कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन सर के 2 महीने में जो ग्रोथिंग का रीजन है वो यही रीजन है कि इतना बेबाक तरीके से बोलते हैं। और सर का जो 5 सीक्रेट्स है वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताऊँगा। सबसे अच्छी सीक्रेट्स उनकी ये है कि उनका नेचर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, न्यू क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई उन पर वीडियो बना रहा है, उनमें से मैं भी एक थी, अगर उन पर कोई वीडियो बना रहा है तो उसको प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं। आप कोई भी बड़ा क्रिएटर्स को देख लो, कितनी भी वीडियो बना लो लेकिन बस लाइक कर देंगे या बहुत होगा कमेंट्स कर देंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। लेकिन सर में वो क्वालिटी है कि अगर उनके ऊपर वीडियो बना दिया या उनकी वीडियो पसंद आ गई, आपकी वीडियो बनाई हुई, तो अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देते हैं और मुझ जैसी बहुत छोटी सी क्रिएटर्स को उन्होंने अपने चैनल में जगह दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये 5वां जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट था, हेल्पफुल। तो आपको यूट्यूब पर अगर काम करना है तो आप में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आप हर किसी से हंस के मिलिए, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, हेल्पफुल नेचर रखना है, हर किसी की मदद करनी है, हर कमेंट्स का रिप्लाई देना है। कब क्या पता कौन सा बंदा कितना परेशान है और उसकी ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत हो फिर भी उस ज़रूरत पर आप नहीं काम आ रहे हो, तो ये आप एक बड़े क्रिएटर्स होने ना होने से क्या फ़ायदा। क्योंकि आप अगर आज यहाँ पे हो, जो कमा रहे हो, जो कर रहे हो, जो कुछ आपके पास है, इसी व्यूवर्स की वजह से, इसी ऑडियंस की वजह से। तो जो 5वां सीक्रेट था जो कोई नहीं बताता यूट्यूब पर, वो यही था कि सर का सबसे अच्छा नेचर जो है वो हेल्पफुल वाला है, सभी की हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर क्रिएटर्स को प्रमोट कर रहे हैं और मौका दे रहे हैं कि अगर आप में कुछ टैलेंट है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आप आओ सामने। ऐसा नहीं है, कभी कभी सालों 2 साल 3-3 साल लोग काम करते रह जाते हैं लेकिन अगर एक भी बूस्ट नहीं मिलता तो बेचारे वो निराश होकर चले जाते हैं, यूट्यूब छोड़ देते हैं, बाय बाय टाटा कर देते हैं। लेकिन सर का ये नेचर जो 5वां सीक्रेट था यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा जो मैंने आज बताया। तो ये 5 ऐसे ट्रिक्स जो सर के अंदर है वो आप अपने अंदर अप्लाई कीजिए, अपने अंदर लागू कीजिए, 100% आपका चैनल ना ग्रो हो रहा तो आके मुझसे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको जरा भी कुछ मोटिवेट हुए हो और कुछ भी नॉलेज मिला हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टेड एंड नॉलेजबल लगी हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और एक लाइक कर दो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी tech_sawyer23 है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एडवांस में दे दिया है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।